हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल करियर्स एंड कोर्सेज पे। तो सुबह भी हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करी थी, वो आपने जरूर वीडियो देखा होगा। अगर नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो है इसमें दो स्कूल्स की वैकेंसीज हैं, और वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं सभी लेवल पर। और 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी पे करेगा स्कूल, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है, और उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने नेटवर्क में, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत सारी वैकेंसीज हम इसके थ्रू शेयर कर रहे हैं, वो सब आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन होता है, जो आपने प्रेस करना होगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो आइए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है, जहां पे सबसे पहले इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के लिए पोजीशन लिखी हुई है सबसे ऊपर। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने उसके लिए मांगा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन ओपन है वो सीनियर हेड मिस्ट्रेस के लिए है, जिसमें 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद पीजीटीज के लिए वैकेंसीज हैं इंग्लिश, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन। ये सारे सब्जेक्ट एरियाज में इसके लिए इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। टीजीटी के लिए जो वैकेंसी है वो इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट एरियाज में है, और उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और योगा टीचर के लिए वैकेंसीज ओपन है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। और नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो नॉन टीचिंग की कुछ पोजीशन है, जिसमें एडमिशन इंचार्ज, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज और जो आईटी यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखने के लिए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। सीबीएसई की नॉर्म्स के हिसाब से इन्होंने एज और क्राइटेरिया मांगा हुआ है, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड आपने करा हुआ है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और अगर साथ में ऑब्वियसली आपने अगर सीटेट क्लियर करा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दिल्ली में ये स्कूल है, द इंडियन हाइट्स स्कूल, सेक्टर 23, द्वारका। काफी बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल ये है, और साथ ही इन्होंने सैलरी के संबंध में ये मेंशन करा हुआ है कि सैलरी जो रहेगी वो 7th पे स्केल के हिसाब से रहेगी। तो 7th पे स्केल में मिनिमम सैलरी एक पीजीटी को 50,000 से ऊपर मिलती है, और टीजीटी को भी 45,000 के आसपास मिलता है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसके हिसाब से पे करेंगे, अगर आप क्वालिफाइड हैं और इसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो। तो आपने, अगर ये लोकेशन आपको सूट करता है दिल्ली का, तो आपने इनका जो ईमेल आईडी है इसके ऊपर आपका रिज्यूमे भेजना होगा, tihs.vacancy@gmail.com, tihs.vacancy@gmail.com इनका ईमेल आईडी है, और ये द्वारका दिल्ली में स्कूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेक्टर 23, द्वारका, द इंडियन हाइट्स स्कूल है, वहां से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। 30 तारीख को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था, और 7 दिन के अंदर इन्होंने भेजने के लिए बोला है, तो आप 5-6 तारीख तक तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट आप जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर दे अगर आपको ये सूट करता है तो। तो ये एक वैकेंसी है एक जगह की। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है उसकी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो स्कूल है वहां पे, एक तो पीजीटीज के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, 3 सब्जेक्ट एरियाज हैं जिसके लिए इन्होंने मेंशन करा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे ऊपर की तरफ, फिर टीजीटी के लिए वैकेंसीज हैं सभी सब्जेक्ट्स में, इन्होंने लिखा हुआ है कि सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं टीजीटीज के लिए। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा टीचर, लैब असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, एचआर हेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, एकेडमिक हेड, जो कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सीनियर सेक्शन के लिए, और उसके अलावा नॉन एकेडमिक पोजिशंस भी यहाँ पे ओपन है। रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल है, A1 ब्लॉक, जनकपुरी, न्यू दिल्ली में ये पढ़ता है। पहले वाला जो स्कूल था वो द्वारका में है, और ये जो स्कूल है ये जनकपुरी में है, दोनों दिल्ली में ही है। इसकी जो ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपने भेजना है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप स्कूल के रिसेप्शन पे जाके वहाँ पे आपका रिज्यूमे और लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो जमा कर दें रिसेप्शन पे 11 से 3 बजे के बीच में। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो ये ईमेल आईडी दिया गया है, RHPS
JOBRESUME RHPSjobresume@yahoo.com, इसके ऊपर आपका रिज्यूमे इनको ईमेल कर दे जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट नहीं मेंशन करी है और ये भी 30 तारीख को ही हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था। तो आप यू कैन अप्लाई एज सून एज पॉसिबल इफ यू थिंक यू आर क्वालिफाइड इनफ एंड इफ द लोकेशन सूट्स यू। CBSE के हिसाब से क्वालिफिकेशन रहेगी, सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं करी हुई है और वो आपकी जो स्किल्स हैं और जो इंटरव्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ज़रूर अप्लाई करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर ये लोकेशन आपको सूट करती है और ये आपको पसंद आता है तो। अदरवाइज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके माध्यम से हम बहुत अलग अलग जगह की वैकेंसीज डेली बेसिस पर शेयर करते हैं, वो सब आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल अगेन कम।